केंद्रीय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा है कि कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल सीएए पर जनता को भ्रमित कर रहे हैं। उदयपुर में आयोजित एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए मेघवाल ने कहा कि विशेषकर मुस्लिम समाज में यह भ्रम फैलाया जा रहा है कि उनकी नागरिकता छीनी जा रही है, जबकि अधिनियम में जो संशोधन हुआ है उसमें नागरिकता छीनने की नहीं बल्कि नागरिकता देने की बात कही गई है। अंतर सिर्फ नेचुरलाइजेशन प्रोसेस का है। बांग्लादेश से और पाकिस्तान से आ रहा है तो उसको भी नागरिकता दी जा रही है, लेकिन उसको एक नेचुरलाइजेशन प्रोसेस है, उसमें 11 साल या वेट करना पड़ेगा। और जो अभी हमने संशोधन किया है उसमें जो हिंदू सिख जैन बौद्ध और पारसी ईसाई धार्मिक भावनाओं से प्रताड़ित होकर के बांग्लादेश पाकिस्तान अफगानिस्तान से आ रहे हैं उसमें 11 साल की जगह 5 साल किया, और कुछ किया ही नहीं है, और कोई विषय नहीं है, फिर भी इतना भ्रम फैला रहे हैं। इस देश के जो मुसलमान है जिनको नागरिकता मिल गई है, आर्टिकल उनको प्रोटेक्ट करता है, भारत का संविधान का आर्टिकल 10 कोई बाहर निकाल ही नहीं सकता, जबकि वो अदरवाइज सरेंडर नहीं करे कि मैं भारत की नागरिकता छोड़ता हूं, किसी को ताकत ही नहीं दी है संविधान निर्माताओं। तो जो एक बार नागरिक बन गए वो नागरिकता कोई छीन ही नहीं सकता जी, प्रोटेक्ट अंडर द एक्ट, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, फिर भी भ्रम फैलाया जा रहा है।